नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और 3 जून को वट सावित्री वट की पूजा की जाती है, जो स्त्रियों के सौभाग्य का द्योतक माना जाता है। वट सावित्री व्रत को सौभाग्य देने वाला, संतान की प्राप्ति कराने वाला, और इस व्रत की तिथि को लेकर विभिन्न मत हैं। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णयामृत अमृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा वट सावित्री सत्यवान की कथा के विधान की वजह से यह वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। मध्य देश के अशुपति नाम का एक बड़ा धार्मिक राजा था, उनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री जब विवाह की योग्य हुई तब महाराज उसके विवाह के लिए बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने वर को चुन करके विवाह कर ले। धर्मशास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है, और पति के मर जाने पर उसको विधवा माता का पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज में निकल पड़ी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वहाँ वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि ऋषि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई हैं। जब राजकुमारी दरबार में पहुँची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि साल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बढ़े हैं उन्हें वो पति रूप में स्वीकार करना चाहती है, उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र ये तो बड़े दुख की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा तो क्या, तो उन्होंने कहा कि जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत ही शेष है, कम है, वह सिर्फ एक वर्ष के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी कन्यादान एक ही बार किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है मैं उसी से ही विवाह करूंगी, आप उसे ही मेरा कन्यादान करें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री विवाह को जब इनके बहुत समय बीत गया, एक दिन सत्यवान मरने ही वाला था, समय बीत गया, जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वह बहुत समय नज़दीक आ गया था, तो उसके दिल में नारद जी का वचन सदा बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो गई हो, जंगल का रास्ता बड़ा कठिन है, परेशानियों से भरा हुआ है, इसलिए आप यहीं रहे। लेकिन सावित्री नहीं मानी, जिद पकड़कर सत्यवान के साथ जंगल चली गई। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूँ सावित्री, मुझे यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात का स्मरण करके समय दिन का विचार करने लगी। इतने में वहाँ एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था, वो यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है इसलिए मैं तुझे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव जहाँ भी जाएंगे, उन्हें जहाँ ले जाया जाएगा मैं भी जाऊँगी। तब यमराज ने समझाते हुए कहा कि मैं प्राण नहीं लौटा सकता हूँ, तू मुझसे वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन वह पीछे पीछे पुनः चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर से समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य मिल जाए। इसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिताजी ने कोई पुत्र नहीं, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, सावित्री तुम अब वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र चाहिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे लौट जाऊँ, आप ही ने मुझे
कहा है कि सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित किया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के 100 के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के 100 में चेतना आ गई। वट सावित्री की पूजा के लिए विवाहित महिलाओं को बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके एक दुल्हन की तरह सज धज कर थाली में प्रसाद, गुड़, मीठे भीगे हुए कुछ चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली, मौली, फल, पान का पत्ता, धूप, घी, दिया एक लोटे में जल देकर बरगद पर चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, फिर प्रसाद चढ़ाकर धूप दीपक जलाएं। इसके बाद सच्चे मन से आराधना पूजा करके अपने पति के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। सावित्री माँ से पति की दीर्घायु की कामना करते हुए बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चे धागे या मौली को 7 बार बांधे घर आकर पति का तिलक करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। उसके बाद पति के हाथों से अपना व्रत खोलें। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत खास महत्व होता है, जिसका अर्थ है बरगद का पेड़। इस पेड़ में काफ़ी शाखाएं लटकी हुई होती हैं, जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी इस व्रत को करके अपने पति का अखंड सौभाग्य व्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान की माँ सावित्री की कृपा प्राप्त करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।